प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण रुद्रपुर की कल्याणी नदी अपने उफान पर है, जिस कारण शासन ने मुनादी करके नदी के आसपास की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। वही रुद्रपुर के भूत बंगला में जलभराव के कारण तो दर्जन से अधिक लोग घरों में फंस गए थे, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण रुद्रपुर की बस्तियां और बाजार पूरी तरह से पानी से डूबे हुए हैं। कल्याणी नदी का जल स्तर भी किनारे तक पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में नदी के आसपास की कई कॉलोनियों में हड़कंप मचा हुआ है, जिस कारण जगतपुरा, खेड़ा, ट्रांसिट कैंप, भूत बंगला, रामपुरा जैसे इलाकों में लोगों ने घर खाली करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन भी लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। इसके अलावा बाजार में भी कई फुट तक पानी सड़कों पर भरा हुआ है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। जो प्रभावित एरिया है वहाँ हम लोगों ने विजिट किया है, जहाँ पे पानी भर गया है, जल भरा हो गया है। दो तीन चीजें ध्यान करनी होगी है कि जो सुरक्षित स्थान जो हमने चिन्हित किए हैं अभी जाकर के, चाहे जिसमें ज्यादातर स्कूल हैं, आवश्यकता अनुसार वहाँ उनको शिफ्ट होना है। हमने NDRF SDRF को भी बुला लिया है। जानवरों को बांधकर न रखें, क्योंकि जानवर अगर बंधे रहते हैं तो वो फिर अपनी रस्सी नहीं तोड़ा पाते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। तो जानवरों को रस्सी खोल के रखें, वो अपना बचाव काफ़ी कुछ कर लेते हैं, स्वयं कर लेते हैं, और सुरक्षित स्थानों पर जरूर चले जाएँ जब तक कि ये पानी नदी का बढ़ा हुआ है। कि विशेष तौर पर अपने जानवरों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, बच्चों को अकेले ना जाने दें, ऊंचे स्थान पर शिफ्ट हो जाएं। एक्चुअली अलर्ट अभी कल दोपहर तक का है और अभी फिलहाल बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन जैसे बारिश बढ़ती है, जो ऊपर पानी पहाड़ों में जो वर्षा हुई है उसका पानी जब आएगा तो यहाँ पर जल स्तर बढ़ने की संभावना है, इसी के दृष्टिगत अलर्ट किया जा रहा है।